पांच कॉन्स्टिट्यूंसियों पीछे इलेक्शन हो गए, उधर नहीं पहुंचा अनुराग ठाकुर, वो कहाँ पहुंचा? पुनासा में अजीत सिंह साहब के साथ मुकाबला कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई डर है ना उसको कि नहीं है डर है, मतलब इसको पता है कि ये सीट हम हार रहे हैं। उन्होंने आखिरी दाव लगा दिया, कल उनका आखिरी दाव था, उसके अलावा और कोई दाव उनके पास नहीं बचा है, ठीक है ना। ये मैं जीत हार की बात करता हूँ। इलेक्शन किस पे होते हैं? पार्टियों पे। ठाकुर साहब पार्टी के सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं इज्जत करता हूँ, नौजवान है। कहता है हजीब जो कह रहा था, जो यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं वो पंचायत का भी, पंच का भी लड़ते हैं, सरपंच का भी लड़ते हैं, डीडीसी भी लड़ते हैं, सब कुछ खुद ही लड़ते हैं। यही बोला है ना, यही बात की यहाँ पर। उनको ये पूछना था, आपके पिताश्री ने चीफ मिनिस्टर का लड़ा, आपने पार्लियामेंट में लड़ा, आप यूनियन मिनिस्टर भी रहे, आप क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी जाके इलेक्शन लड़ा, तो आप भी तो सब ठेका लिए हुए। तो आज बशीर करे तो गुना, अनुराग ठाकुर करे तो गुना, जो बात थोड़ी हो सकती। जो आदमी बोल रहा है वो खुद उसके तीन जगह पर वो लड़ रहा है, इसलिए ये बेवकूफ बनाने की बात है। लोगों को क्या पता अनुराग ठाकुर को, ये एक बात होगी। दूसरी चीज, उन्होंने यहाँ पर कहा, मैं सिर्फ उनका जवाब दूंगा, कैंपेन आप खुद कर रहे हो, जीते हुए भी इंशाल्लाह आप हो। दूसरी बात ये, मैं ये कहूंगा दूसरी बात में कि हमने सबकी जो दुकानें हैं वो बंद कर दी यहाँ पर, क्या करके 370 को तोड़कर, मतलब वो पनासा में 370 की खुशी मनाने आए थे। तो हमारा जो दूसरा कैंडिडेट था वो यहाँ तालियां बजा रहे थे, कौन खुश है 370 तोड़ने से? ये खुशी जमीर चंद खुश है, इसके बेटे को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसकी बेटी को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आजीव सिंह को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, केवल सिंह को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, किसको खुशी है 370 तोड़ने से? जम्मू कश्मीर स्टेट जो महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई थी, आज उसको तोड़ दिया तो कौन खुश होगा यहाँ पर? तो वो खुशी मनाने यहाँ पर आए। हमारी जमीनों का वो हाल, ऐसे ऐसे कानून वहाँ पर आते हैं, उसमें हिंदू भी सफर कर रहा है, मुसलमान भी सफर कर रहा है, जम्मू का लाला भी कर रहा है, यहाँ का आदमी भी कर रहा है। सही बात। किस खुशी की बात ठाकुर साहब कर रहे थे, पूछना तो था हमें, किस चीज की खुशी होनी है? तालियां बजवा के हमसे चले गए, हम सोचते हमें ठाकुर साहब आए थे, तालियां काम इस तरह की चीजें, बैंक यहाँ नहीं है, 20-25 आदमी किसी बंदा को इधर बेचारे इज्जत ही की, चलो अच्छा बात है, बाहर के आदमी से इज्जत करनी चाहिए। पूछना था जरा, तुम देखो इधर खुला क्या क्या है पहले, है ना? इधर तो तुम्हारे मिनिस्टर 2-3 आए थे पिछले दौर में, 2014 से लेकर आए थे नहीं यहाँ, कौन सी चीज दे के चले गए यहाँ पर, कौन सी चीज उन्होंने दे दी? वो तो बात करके बड़ी बड़ी चले गए थे यहाँ पर, एक दो दिन मैंने पूछा सरकार, मैं एक डाव बंगला लेके गए, इतना तो हमारा मकान बन गया है। डाव बंगले हम चंदा करके भी बना देते, वो कौन सी बड़ी बात?